ग्रैंड आरपी में सितंबर अपडेट आ गया है एंड ये एक्चुअली पार्ट वन ही है ग्लोबल अपडेट का। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा बट आज की वीडियो में जानते हैं एवरीथिंग अबाउट दिस अपडेट। मैं बताऊंगा एवरीथिंग जो कि इसमें नया आया है क्योंकि स्लिम का पहले आधी चीजें बताता है अपनी वीडियो में एंड इनकी वेबसाइट पे आधी चीजें लिखी होती है। मैं दोनों को कंबाइन करके एक पूरी वीडियो बना रहा हूं एंड मैं बता दूं कि इस अपडेट में आपको मुफ्त के ग्रैंड कॉइन्स भी मिल रहे हैं। सो ये बेस्ट टाइम है ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करने का एंड इवन अगर आप एक नए प्लेयर होना तो ये बेस्ट टाइम है ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट करने का। सो इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, फ्री में रजिस्टर करो, ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड करो एंड आ जाओ हमारे साथ खेलने। मेरा रेफरल लिंक ही यूज करना ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनसेस मिलेंगे। इवन आप मेरी फैमिली भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो प्रमोशन चल रहे हैं, आपको 15 ग्रैंड कॉइंस मिलेंगे पर डे अगर आप 5 घंटे खेलते हो एक दिन में एंड ये चल रहा है 10th सितंबर तक। सो जो लोग रोज खेल रहे होंगे वो तो 150 जीसी कमा लेंगे बट आपने अभी तक शुरू नहीं किया फिर भी टाइम है आपके पास, 100 जीसी के करीब तो कर ही लोगे। फिर अगर आप 17th सितंबर तक खेलते हो गेम में तो आपको पेगासी एस्टेरियन नाम की कार फ्री मिलेगी बट इसके लिए आपको टोटल 50 आवर्स कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बंकर की जिसमें बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 4 मिलियन टू 100K। इसमें आप अपने व्हीकल्स खड़े कर सकते हो एंड इवन लॉगिन भी कर सकते हो एंड इवन आप दो नए टाइप की प्रोडक्शंस कर सकते हो। एक है जूस प्रोडक्शन जो हर 4 घंटे में आपको जूस बना के देगी। अब ये 4 जूसेस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हो सकता है 1 घंटे के लिए डबल सैलरी वाला जूस हो या 10 मिनट के लिए रैंडम एनिमल बनने वाला जूस या रनिंग स्पीड बढ़ाने वाला जूस या 1 वीक तक डिजीजेस से बचाने वाला टिंचर। फिर सेकंड प्रोडक्शन है मनी प्रिंटिंग मशीन जो आप 1 से लेकर 4 घंटे के लिए कर सकते हो एंड हर घंटे एक बैटरी डालनी होगी। पहले घंटे आपको मिलेंगे 20K, दूसरे घंटे मिलेंगे 50K, थर्ड आवर में मिलेंगे 100K एंड फोर्थ आवर में मिलेंगे 200K। सो सबसे ज्यादा फायदा तो 4 आवर्स वाले में ही है एंड अब शायद बैटरीज का रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे सर्वर पे। बाकी इसी मनी प्रोडक्शन की वजह से अब बंकर पे रेड भी हो सकती है, कोई दूसरा प्लेयर आकर आपके ऊपर रेड कर सकता है और आपको डिफेंड करना होगा। अगर वो जीत गया तो मनी प्रिंटिंग रुक जाएगी एंड उसके सारे प्रॉफिट्स उस पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने बंकर को प्रोटेक्ट करना है तो आप अपने पेट्स को छोड़ सकते हो वहाँ पे एंड वो रेड होने ही नहीं देंगे। इसका आप ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना कि पेट्स फिर बंकर के बाहर भी नहीं जा सकते, हमेशा वहीं पे ही रहेंगे। बट हाँ, अगर आपको और प्रोडक्शन करनी है तो पूरे 3.9 मिलियन पे करने होंगे जिससे आप और वर्कर्स खरीद पाओगे एंड बाकी चीजें बना पाओगे। बाकी अब आपके दोस्त आकर आपकी प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बस आपके बंकर में एंटर करना है, किसी एनपीसी पे जाके ई प्रेस करना है और उससे प्रोडक्शन 1 घंटे से फास्ट हो जाएगी। बट हाँ, ये 24 आवर्स में एक बार ही हो सकता है एंड आप ऐसा खुद के लिए नहीं कर सकते। सो यार काफी अच्छे चेंजेस हुए हैं बंकर में। वैसे तो मैंने बंकर की कंप्लीट गाइड बनाई थी 1 साल पहले, कहोगे तो उसकी अपडेटेड गाइड भी लेकर आऊंगा। बाकी अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो आपको हर घंटे मिलेगा 1 केस, उस केस में यूनिक विनाइल्स हो सकती है एंड दूसरी आइटम्स भी। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपके ऊपर कोई फाइन है ना तो 1 केस नहीं मिलेगा। फिर फैमिलीज के लिए एक नया इवेंट आया है, इसका नाम है बैटल फॉर द वॉर्फ एंड ये सर्वर पे अब हर 3 घंटे में होगा, लाइक 110 पे, फिर 410 पे। इस इवेंट में फैमिलीज पार्ट लेंगी ताकि वो अपने लिए वेपन्स ले सके बिकॉज किसी भी फैमिली में वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उनको भरने के लिए काफी पैसा भी लगता है बट इस इवेंट में अब आपके पास मौका होगा कि लोकेशन के अंदर पैराशूट्स को कलेक्ट करो और आर्मर, गन्स एंड एमो ले लो अपनी फैमिली के लिए। साथ ही इसमें आप मरने के बाद कितनी बार भी वापस आ सकते हो। सो एक तरह से जैसे गैंग्स के लिए क्लैंस होता था ना, वैसे ही फैमिलीज के लिए बैटल फॉर द वॉर्फ होगा। देन क्राफ्टिंग सिस्टम को भी रीडिजाइन किया गया, अब इसका इंटरफेस पहले से बेटर हो गया एंड आइटम्स पे टैग्स बने आ जाते हैं कि भाई वो आइटम आपके काम का है या फिर नहीं। सो इतने सारे आइटम्स में से कुछ ढूंढना आसान हो जाएगा। बाकी अब आप स्क्रैप मेटल का यूज करके कार भी क्राफ्ट कर सकते हो बट ध्यान रखना कि इसके चांसेस 100% नहीं है। उसके अलावा आप ऑटोमेटिक रिसोर्स माइनर भी क्राफ्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्क्रैप मेटल एंड इवन आर्मर प्लेट भी बन सकती है। अब आपके मन में आएगा कि यार स्क्रैप मेटल तो काफी कम होता है बट डेवलपर्स ने बताया है कि वो मैप पे ज्यादा अपीयर हुआ करेगा। अब आपको पता ही होगा कि यार गेम में ना रोज लॉगिन करने से कुछ ना कुछ आइटम्स मिलते थे, कभी पैसे, कभी क्लोदिंग, कभी कोई और चीज। अब अपडेट ये है कि सबसे पहले उसका इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। 60 डेज लगातार लॉगिन करने पे जो रिवॉर्ड मिलता था वो भी अपडेट कर दिया गया है। अब आपको मिलेगी एक कार जिसका नाम है OC लॉट इलेक्ट्रा एंड कार्स की बात कर ही रहे हैं तो 5 नई गाड़ियां आ गई हैं इन द कार शोरूम जो कि है बर्गर फर्ग्यूसन, सिंगर टिगुआन, फिर उबर मार्क M3, फिर कैडन RAV4, ओबी मैक M4 एंड कॉयल H9। तो काफी बढ़िया कार्स लग रही है, बाकी चला के देखनी पड़ेगी कैसी है। देन आ गया है एक नया मशरूम कल्टीवेशन सिस्टम। अब आप 24/7 स्टोर से मशरूम सीड्स खरीद सकते हो, उन्हें प्लांट कर दो एंड 4 आवर्स के बाद आप उनसे जूसेस बना पाओगे, वही सारे जो मैंने पहले बताए थे, लाइक अपनी स्पीड बढ़ाने वाले, एनिमल बनने वाले या डबल सैलरी वाले। बाकी ध्यान रखना कोई और आके आपके मशरूम्स भी तोड़ सकता है। देन स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को अपडेट किया गया है, 10 नए ड्यूल्स एंड 2 नए फैमिली बैटल्स की लोकेशन ऐड की गई है। इसमें ऑब्वियसली फैमिलीज आके फाइट करेंगी एंड जो साइड जीतेगी उन्हें क्रेट मिल सकती है विद अ कंप्लीटली न्यू कार। अब मुझे डाउट है कि कार मिलेगी या विनाइल, स्लिम का पहले ने विनाइल बोली थी बट इनकी वेबसाइट पे कार लिखी है। सो कोई टेस्ट करके बताओ यार कमेंट्स में क्या मिल रहा है एग्जैक्टली। देन लिमिटेड टाइम कंटेनर्स डाले गए हैं जिसमें यूनिक कार्स हैं विद यूनिक विनाइल्स। ऐसी कार्स पूरे गेम में सिर्फ एक ही होगी एंड वो हो सकती है आपकी। ऑब्वियसली अगर आप उसे ले पाते हो तो देन आप उसे दूसरे प्लेयर को सेल भी कर सकते हो बट ध्यान रखना वो ऐसी सिर्फ एक ही कार है पूरे गेम में, वो कभी दोबारा ऐड नहीं की जाएगी। सो बस गाइस यही था एवरीथिंग इन दिस न्यू अपडेट ऑफ ग्रैंड आरपी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा एंड अभी तक ग्रैंड आरपी ज्वाइन नहीं किया तो यार आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए रेफरल लिंक से साइन अप करो।
करो तो बोनसेस भी आपको मिल जाएंगे एंड अभी आ जाओ तो डीसी प्रमोशन का फायदा भी उठा सकते हो। ग्रैंड डर्बी में कैसे खेलना स्टार्ट करना है एज अ बिगिनर उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो एंड फैमिली रेट से कंप्लीट गाइड जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।